नमस्कार दोस्तों मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्यायी जी में आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आज तक जो अब तक जो हमने पढ़ाई की है हमारा जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है लगभग लास्ट में चला हुआ है और हमारा जो लास्ट टाइम क्लास जो खत्म हुई थी वो हुई थी कि हिंदी की कितनी बोलियाँ है और कितनी उपभाषा है मैंने आपको बताया था कि हिंदी की हिंदी की पांच उपभाषा कितनी पांच उपभाषा व सतरह बोलिया है क्या है सतरह बोलिया है ठीक है और हमने जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी है और हमारा मैंने इसकी शुरुआत कर दी थी हमारी जो बोली है वो है मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा ऊपर लिखना होगा क्योंकि इसमें टॉपिक पूरा नहीं आएगा ठीक है तो आप लोग आ, <coughs> ध्यान दीजिए इस पर और ये तो आप लोगों ने पहले ही लिख रखा होगा ना नोट्स बना रहे होंगे तो ये पहले ही लिख लिया होगा क्योंकि लास्ट टाइम जो क्लास थी वो पश्चिमी हिंदी के साथ खत्म हुई थी क्या पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी दिखाई दे रहा है ठीक है पश्चिमी हिंदी मैंने कहा था कि याद करना है कब कब है क्या कहा था मैंने कब कब है के बी के बी एच क्या के बी के बी एच तो हिंदी की पहली उपभाषा क्या थी हिंदी की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी

कन्नौजी बुंदेली खड़ी बोली इसे कोरवी भी कहा था मैंने क्या कहा था कोरवी खड़ी बोली को क्या कहा था कोरवी और हरियाणवी को क्या कहा था मैंने वागरू क्या वागरू और दूसरी मैंने इसे क्या कहा था इसे देशाणी भी कहा जाता है हरियाणवी को देसाणी के नाम से भी जाना जाता है एक वागरू और एक देशाणी क्या वे आ अंकी बिंदी गै रे उ यही बताया था ना मैंने आपको ठीक है तो ये हमने कर लिया था पश्चिमी हिंदी अब हम देख रहे हैं क्या हमारा जो एक मैंने कितनी उप बोली बताया था पांच पहली उप बोली मैं आपको लिखवा चुका हूं पश्चिमी हिंदी अब देखते हैं पूर्वी हिंदी क्या पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी की जो ट्रिक है ट्रिक से याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा इससे जो मैंने ये बना ये मैंने लिखा है जो ये ये हर उसका पहला अक्सर है बस और कुछ नहीं है लेकिन इससे याद करना आसान हो जाता है वैसे भूल जाते हैं ऐसा नहीं है कि किसी को भी इससे याद करना कुछ परमानेंट जरूरी है किसी को इससे नहीं डायरेक्ट याद करना वो डायरेक्ट याद कर सकता है बस ये आसान हो जाएगा पूर्वी हिंदी है ए बी और सी ए बी सी तो सबको याद होता है ना तो ए बी सी अवधि अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी क्या अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी ठीक क्या हुई पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोली है अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी अब देखते हैं बिहारी हिंदी बिहारी हिंदी एम एम बी क्या बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो आएगी वो होगी एम एम बी मैथिली मगही और भोजपुरी क्या भोजपुरी मैथिली मगही और भोजपुरी प्यारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी मैथिली मगही और भोजपुरी अब देखते हैं पहाड़ी हिंदी पहाड़ी हिंदी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी कौन कौन सी गढ़वाली और कुमाऊनी क्या गढ़वाली गढ़वाली और कुमाऊनी क्या होगा गढ़ <coughs> सॉरी गढ़वाली और कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी में क्या होगी गढ़वाली और कुमाऊनी इसी नाम से गढ़वाल में क्षेत्र भी है जिसे हम गढ़वाल क्षेत्र बोलते हैं और कुमाऊं क्षेत्र बोलते हैं ठीक है ठेके? इनकी भाषा इसी नाम से है गढ़वाली और कुमाऊनी अब देखते हैं हम पहाड़ी हिंदी सॉरी राजस्थानी हिंदी राजस्थानी हिंदी राजस्थानी हिंदी क्या होती है राजस्थानी हिंदी जो इसके अंतर्गत आती है चार क्या मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको देखिए ऐसे कर लीजिए ठीक है इधर लिखिए जयवा मार मेवा माल जय मार मेवा माल जयपुरी क्या होगा आपका जयपुरी ठीक है ये क्या होगा मारवाड़ी मेवाती और मालवी क्या होगा जयपुरी इसलिए मैंने कहा था जय मेवा और माल जयपुरी मारवाड़ी मेवाती और मालवी क्या हुआ जयपुरी मारवाड़ी मेवाती और माल मालवी जयपुरी माल, माल को ढूंढाणी भी कहा जाता है क्या ढूंढाणी क्या कहा जाता है आपसे पूछ सकता है कि किस भाषा को ढूंढाणी भाषा के नाम से जाना जाता है हिंदी की वह कौन सी बोली है जिसको ढूंढाणी के नाम से जाना जाता है क्या कहा जाता है ढूढ़ाणी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है ढूंढाणी कहा जाता है ठीक है और अगर बात करूं मैं मालवी को बागड़ी क्या कहा जाता है बागड़ी या हड़ोती ठीक है अब ये क्षेत्र के अनुसार इनके नाम हो जाते हैं जो क्षेत्र होते हैं उनके अनुसार इनके नाम रख दिए जाते हैं जैसे हमें पता है जयपुर क्या होता है जयपुर आपकी क्या राजस्थान राजस्थान में है ठीक है एक रा, राजस्थान का एक जिला है ठीक है राजस्थान की राजधानी भी है ठीक है तो अब जयपुर की जैसे बात करते हैं हम जयपुर एक क्षेत्र है बहुत बड़ा हमने उसके अंदर जो भाषा बोली जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या दिया जयपुरी दिया क्या नाम दिया जयपुरी लेकिन जब हम बोलते हैं जयपुरी को हम क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे तो क्या होगा ढुंडाणी के नाम से जाना जाएगा अगर मालवी को बात करते हैं तो मालवी को बागड़ी कहा जाता है क्या कहा जाता है बागड़ी ये बगड़ी लिख दिया मैंने बागड़ी बोला था मैं जब भी बागड़ी और हड़ौती क्या कहा जाता है बागड़ी और हड़ौती किस भाषा को कहा जाता है, है? मालवी को कहा जाता है ठीक है याद रखना वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी की कौन सी बोली हिंदी की कौन सी बोली बागड़ी या हड़ोती के नाम से जानी जाती है तो आपको क्या बताना है मालवी बताना है ये सब कुछ याद करने लायक बातें हैं तो हिंदी की कितनी उपभाषा हुई हिंदी की पांच उपभाषा है एक दो तीन चार पाँच ठीक है हिंदी की पांच उपभाषा और कितनी बोली है सत्रह बोली है गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह तो हिंदी की कितनी उपभाषा हिंदी की पांच उपभाषा और सत्रह बोलियां है इसको नोट करिए नोट कर लीजिए अगर किसी ने नोट नहीं किया तो अच्छे से नोट कर लीजिए ठीक है कोई भी इस बात को ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा क्वेश्चन बिल्कुल आपसे यहीं से पूछ लिया जाएगा और मैं आपको मैंने आपको कहा था कि मैं एक चार्ट भी आप लोगों को बताऊंगा लेकिन मैं उतना बताऊंगा जितना यूपी में पूछा जाएगा अब यूपी में जो भाषा यूपी की होगी मैं उन बोली के क्षेत्र बताने की कोशिश करूंगा वे क्षेत्र बताऊंगा जिन क्षेत्र में यूपी की इनमें से बोली यूपी में बोली जाती है अब अगर आप बोलोगे जयपुरी के क्षेत्र बताओ तो मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो राजस्थान में आ जाएगा और आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं होगा आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली के क्षेत्र बताओ क्या खड़ी बोली के क्षेत्र बताओ यह आपसे पूछा जाएगा बुंदेली के क्षेत्र बताओ बुंदेली के झांसी जालौन ललितपुर महोबा बांदा चित्रकूट का कुछ क्षेत्र होता है ये सब कुछ क्या होते हैं ये बुंदेली के क्षेत्र होते हैं खड़ी बोली की अगर बात करता हूं तो खड़ी बोली के जो क्षेत्र होते हैं आपसे क्षेत्र देकर पूछ लेगा मेरठ बागपत बुलंदशहर गाजियाबाद ये सब क्या होते हैं मुजफ्फरनगर सहारनपुर ये कौन से होते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र होते हैं ठीक है अब मैं आपको ठीक है ये सब मैं आपको बाद में कराऊंगा भाई ये जो क्षेत्र वाला जो होगा ये मैं बस उतना ही कराऊंगा जितना आप लोगों के लिए आवश्यक होगा और यूपी में जो भाषा बोली जाएगी अब हम देखते हैं ये आपका कंप्लीट हो गया और अब हम देखते हैं कि <coughs> अब हम देखते हैं भारतीय भाषाएं व हिंदी का विकास का वर्गीकरण क्या हम अब हम देखते हैं कि हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण अब आप बोलोगे बार बार सर वहां पे जा रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि इसमें से साइन निकल रही है और बार बार मेरे सारे हाथ पे जो है बहुत बुरी तरह से मेरे हाथ काले हो चुके हैं और नीचे भी गिर चुकी है तो इसलिए मुझे बार बार कपड़ा उठाना पड़ रहा है ठीक है अब दिक्कत यह है कि इसे पोस्ट लेता हूं तो फिर इसमें साई कम लगती है अब हम देखते हैं हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण क्या हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण यह दो प्रकार से किया जा सकता है देखिए एक आकृति के आधार पर आकृति और एक ऐतिहासिक क्या यह हम कह सकते हैं पारिवारिक ठीक है जो आकृति होती है आकृति का आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो या तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता ठीक है अब हम देखते हैं ऐतिहासिक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लेकिन ये नहीं है कि इसकी डेफिनेशन से बस आपको एक चीज़ बतानी है एक बात समझानी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इससे आगे आएगा ठीक है ना जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है ऐतिहासिक व पारिवारिक अब ऐतिहासिक इतिहास का मतलब क्या होता है इतिहास का मतलब होता है इतिहास होता है जो प्राचीन बातें जो प्राचीन बातें इतिहास बन चुकी है जैसे आपके आ, मुगल साम्राज्य क्या है इतिहास की बातें हैं, ठीक है ना जिनका इतिहास एक जैसा है जिनका इतिहास एक जैसा है अगर मैं कहता हूं कि औरंगजेब मैं कहता हूं शाहजहां मैं कहता हूं आ, आपका आ, हिमायू, तो इन सबका एक ही तो इतिहास है एक ही तो इनका था जहां से हम जानते हैं बाबर से अच्छी तरह जानते हैं ठीक है ना तो इसी प्रकार ऐतिहासिक या पारिवारिक अब एक बात बताइए ये आपके दादाजी हैं ठीक है ये आपके पापा है ये आपकी मोम है या मम्मा है या माँ है ठीक है ना और ये आप हो ठीक है जैसे हम जैसे आप उसमें करते हो ना क्या रीजनिंग में कि ये दादाजी है प्लस का चिन्ह ये आपके पापा है ठीक है ये बराबर का चिन्ह तो ये माँ हो गई और ये आप हो गई ठीक है ना ही होता है ना तो अब एक बात देखिए पारिवारिक अर्थात जिनका मूल एक होता है परिवार किसे बोलते हैं परिवार बोलते हैं अब ये तो नहीं है कि जैसे मैं हुआ और मेरे पड़ोस में कोई रहने वाला बाहर से आ गया तो वो मेरा परिवार का सदस्य हुआ नहीं वो मेरा परिवार का सदस्य नहीं हुआ परिवार उसे बोलते हैं जो एक मूल से जन्म लेते हैं जिनका मूल एक होता है भाई मैं हुआ मेरे पापा मेरे बाबा जी मेरे चाचा उनके बच्चे इन सब का क्या होता है इन सब का मूल कहाँ से हुआ मेरे बाबा से उनके बाबा से उनके पिताजी से ऐसे होता ना मेरे दादा से उनके पिताजी से ऐसे होता है हम सब का मूल क्या है भाई आप सबका जो मूल है ये कहाँ से जन्म लिया है ये कहाँ से यहाँ से कहाँ से चले हैं यहाँ से अर्थात ये पारिवारिक है इसी प्रकार जैसे भाषाएं होती है बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती है जिनका मूल स्रोत एक ही होता है जिनका जो विकास हुआ है किसी एक ही भाषा से हुआ है इसे किसी एक ही भाषा से इन भाषाओं का विकास हुआ है तो ये कैसी हुई एक परिवार के अंतर्गत रखी जाती है कैसे एक परिवार के अंतर्गत रखी जाती है ठीक है ना जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से मिलते हैं किसे संस्कृत से मिलते हैं और हिंदी तो बनी ही संस्कृत से है जिसका विकास आपको बताया गया है ठीक है ना बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी के ऐसे जो आपके संस्कृत से जो के तो लगभग सी मिलते हैं जिनका उच्चारण संस्कृत के समान ही होता है ठीक है ना उसी प्रकार हिंदी का विकास तो किससे हुआ है संस्कृत से ही हुआ है तो इन सब की मूल क्या है इन सब की मूल क्या हुई क्या हुई संस्कृत हुई ठीक है जैसे हमारी लिपि क्या है हमारी लिपि देवनागरी है नेपाली भाषा की लिपि क्या है वो भी देवनागरी है <müş rubbish> क्या वो भी देवनागरी है ठीक है तो इन सब का मूल क्या हुआ ये इनका परिवार परिवार मैंने आपको बताया किसे बोलते हैं वे सभी जिनका मूल स्रोत एक ही होता है जैसे ये आप है ये आपके ये आप है ये आपके पत्नी है और इधर आपकी बहन हो गई क्या इधर आपकी बहन हो गई और ये आपके बच्चे हो गए ये इसके ये आपका लड़का और ये लड़की ठीक है ना ये आपकी एक बेटा एक बेटी हो गई ये आपकी बहन है ये आपकी पत्नी पत्नी को हटा दीजिए क्योंकि पत्नी परिवार का सदस्य है क्योंकि उसकी शादी आपसे हुई है लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसकी आ, उस उन सब की जिनका मूल स्रोत एक ही है जिनका जिनका उद्भव किसी एक ही स्थल से हुआ है किसी एक ही स्रोत से जन्म हुआ है इन सब का मूल कहाँ है इन सब का मूल यही तो है ये यही है ना इन सब के मूल समझ में आया परिवार का मतलब क्या होता है जिनका मूल स्रोत उत्पन्न होने का एक ही होता है इसी प्रकार जो इसे क्या कहेंगे ऐतिहासिक जिनका इतिहास एक है ठीक है ना अब हम देखते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ऐतिहासिक में आपको ये पारिवारिक क्या समझाना चाह रहा था ठीक है ना ठीक है मैंने इसको रब कर दिया है, मुझे करना नहीं था लेकिन आप लोगों ने लिख लिया होगा इसी प्रकार भारत में कितने भाषा परिवार है भारत में चार भाषा परिवार है कितने भारत में चार भाषा परिवार हैं। भारत में मुख्यतः क्या मुख्यतः चार भाषा परिवार है चार भाषा परिवार है ठीक है कितने हैं भारत में मुख्यतः चार भाषा परिवार है जिसमें नंबर एक पर आते हैं क्या भाषा परिवार अर्थात इनके अंतर्गत वो भाषाएं रखी गई है जिनका मूल स्रोत एक है जिनका उच्च जिनका उद्भव किसी एक भाषा से हुआ है ठीक है जिसमें है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा क्या भारोपीय भारोपीय परिवार ठीक है इसे भारोपय परिवार भी कह सकते हैं या फिर इसे कह सकते हैं यूरोपियन क्या क्या कह सकते हैं इंडो यूरोपियन क्या कह सकते हैं इंडो यूरोपियन इंडो यूरोपियन ठीक है इसे बोलने वाले भारत में सतंतर परसेंट है कितने सतंतर परसेंट लोग इंडो यूरोपियन अर्थात भारत और भारोपीय भारत अर्थात यूरोप के क्षेत्र में जितनी भाषाएं बोली जाती है उन सभी भाषाओं का उद्भव किसी एक भाषा से हुआ है उनका मूल स्रोत एक है इसलिए भारत के अंतर्गत भी ये भाषाएं बोली जाती है तो इन सभी भाषाओं का इन सभी भाषाओं को एक ही भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है तो भारत में कितने भाषा परिवार है भारत में चार भाषा परिवार है कितने बताए हैं? चार ठीक है भारत में कितने बताए हैं? चार एक नंबर एक है भारोपीय परिवार या इंडो यूरोपियन इसे बोलने वालों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है सतंतर परसेंट जितने मैं चार भाषा परिवार बताऊंगा उनमें सबसे ज्यादा इंडो यूरोपियन को बोलने वालों की संख्या इसमें हिंदी नेपाली गुजराती राजस्थानी ठीक है अंग्रेजी स्पेनिश क्या हुआ हिंदी अंग्रेजी हिंदी नेपाली गुजराती राजस्थानी अंग्रेजी स्पेनिश पंजाबी सिंधी पंजाबी सिंधी ठीक है पंजाबी सिंधी संस्कृत ठीक है इन सभी का क्या इन सभी की जो स्रोत है इन सभी का जो स्रोत है वो सभी का स्रोत एक ही तो है कश्मीरी क्या कश्मीरी ठीक है कश्मीरी जर्मन जो जर्मन में बोली जाती है जर्मन ठीक है ना मराठी क्या मराठी बंगाली मराठी हुई बंगाली हुई ठीक है नेपाली गुजराती आदि ये सभी भाषाएं कैसी हैं? ये सभी भाषाएं भारत में देखें आ, हिंदी नेपाली गुजरा नेपाली गुजराती राजस्थानी अंग्रेजी स्पेनिश पंजाबी सिंधी संस्कृत कश्मीरी जर्मन मराठी बंगाली आदि ये सभी भाषाएं भारोपी परिवार के अंतर्गत आती हैं इन सभी भाषाओं का मूल स्रोत कोई एक ही भाषा है ठीक है ना? जिस प्रकार अगर मैं कहता हूँ कि संस्कृत में क्या बोला जाता है मातृ क्या बोला जाता है मातृ और इंग्लिश में क्या बोला जाता है मदर क्या बोला जाता है मदर तो मातृ और मदर का कि जो उच्चारण है लगभग सेम सा है जिसे सोचिए मातृ मातृ मदर मैं से मातृ एम से मातृ और एम से मदर ऐसे बन रहे ना भाई मातृ मदर ठीक है ना इसी प्रकार इन सभी भाषाओं का कोई एक ही मूल स्रोत है तो किस भाषा के अंतर्गत रखा गया है भारोपीय परिवार के अंतर्गत रखा गया है ठीक है दूसरे नंबर का अगर बात करते हैं हम द्रविड़ भाषा परिवार क्या करते हैं दूसरे नंबर पर होगा आपका द्रविड़ द्रविड़ भाषा परिवार इसे बोलने वालों की संख्या भारत में 20 परसेंट है कितने लोग बोलते हैं इसे भारत में लगभग 20 परसेंट लोग द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत बोलते हैं जिसमें आपकी है इसमें आपकी है तेलुगु तेलुगु तमिल कन्नड़ क्या मलयालम क्या होगा मलयालम क्या हुआ मलयालम आदि ठीक है ना भाई तेलुगु तमिल कन्नड़ तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम आदि भाषाएं जो दक्षिण भारत में बोली जाती है क्या की जाती है दक्षिण भारत भारत में अधिकतर भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती है जितनी भी भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती है उसे बोलने वालों की संख्या द्रविड़ भाषा परिवार को बोलने वालों की संख्या भारत में बीस है लगभग बीस परसेंट या इक्कीस होगी बीस इक्कीस परसेंट है ठीक है ना और लेकिन अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत जो भाषाएं बोली जाती है वो है तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम ये सभी भाषाएं द्रिड़ भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती है और मैं आपको बता देता हूं कि दक्षिण भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है उसमें से लगभग ज्यादातर भाषाएं द्रिड़ भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती है ठीक है ना अब आप बोलोगे दक्षिण भारत में तो इंग्लिश भी बोली जाती है इसलिए मैंने अधिकतर बोला है ज्यादातर बोला है ठीक है ना मैं जानता हूं कि कुछ इसमें बोलेंगे कि आपने इंग्लिश को नहीं बोला क्योंकि दक्षिण भारत में इंग्लिश भी बोली जाती है जैसे केरल जैसे राज्य में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है लगभग इंग्लिश का यूज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है ठीक है ना क्योंकि हिंदी वहाँ पर इतनी नहीं बोली जाती तो लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है अब द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत वे भाषा रखी जाएगी जिन भाषाओं का मूल स्रोत स्रोत एक ही होगा तो जो तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम आदि ऐसी भाषाएं हैं है जो लगभग दक्षिण भारत में सबसे अधिक बोली जाती है वे द्रविड़ भाषा में आती है उनका मूल स्रोत कोई एक ही भाषा है क्या कोई एक ही भाषा है अब नंबर तीन पर लिखिए आस्ट्रो एशियाटिक। आस्ट्रो एशियाटिकतने लगभग एक पॉइंट दो परसेंट कितने एक पॉइंट दो परसेंट लोग आपको भारत में आस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलते हुए मिलेंगे इसके अंतर्गत आती है मुंडा मुंडा क्या होगी मुंडा जो मुंडा होती है वो जो मुंडा मुंडा जो भाषा होती है अब आप बोलोगे मुंडा जनजाति हाँ उन्हीं की भाषा है मुंडा तो जो मुंडा है भारत में बस एक परसेंट लोग एक पॉइंट दो परसेंट लोग एक पॉइंट तीन परसेंट लोग लगभग मुंडा भाषा को बोलते हैं जो आस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आती है कौन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आती है अब हम देखते हैं आपकी नंबर चार पर है सिनो तिब्बत क्या होगी सिनो तिब्बत शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं इसे ऊपर लिख देता हूं सिनो तिब्बत यह आपने नोट कर लिया होगा आस्ट्रो एशियाटिक ठीक है ना मैं इसको रब कर रहा हूं और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार भी आपने नोट कर लिया होगा ठीक है और नंबर चार पर क्या होगा सिनो तिब्बत नंबर चार पर है आपका सिनो 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 तिब्बत शिनो तिब्बत के अंतर्गत भारत में लगभग जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट नौ परसेंट लोग इसे बाद में बोलते हैं कितने जीरो पॉइंट नौ परसेंट लोग सिनो तिब्बत को बाद में बोलते हैं तो कौन कौन से भाषा परिवार हुए भारोपीय परिवार की भाषा या इसे क्या बोल सकते हैं इंडो यूरोपियन दूसरी दृढ़ भाषा परिवार नंबर तीन पर क्या हुआ नंबर दो पर द्रविड़ भाषा परिवार नंबर तीन पर क्या हुआ नंबर तीन पर होगा आपका आस्ट्रो एशियाटिक और नंबर चार पर क्या हुआ नंबर चार पर हुआ आपका सिनो तिब्बती जिसे भाग में बोलने वालों संख्या जीरो पॉइंट नौ परसेंट है कितनी जीरो पॉइंट नौ परसेंट है इसको नोट कर लीजिए और आवश्यकता आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मैं इसको रब कर रहा हूँ <coughs> ये टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुका है ये टॉपिक आज पूरा हो गया है और मुझे जो आपको करवाना था मैंने कंप्लीट करा दिया है इसके अंतर्गत अगर कुछ और है तो मैं करा दूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है शायद मैं इसकी एक क्लास और लूँ और शायद ना भी लूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में अब लेके आऊँगा मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में चैप्टर को जितने क्वेश्चन आंसर होंगे मैं कराऊंगा और अगर कुछ टॉपिक बताना होगा तो मैं वहीं पे क्लियर कराऊंगा ठीक है ना अगर कुछ होगा तो मैं क्लास में कुछ देर पहले उस टॉपिक को क्लियर कराऊंगा और फिर आपके सॉरी क्वेश्चन आंसर लगवाए जाएंगे अब देखिए मैंने कहा था आपको क्या कहा था मैंने कि मैं वे भाषा लिखवाऊंगा जो भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है क्या उत्तर प्रदेश में की बोलिया उत्तर प्रदेश की बोलिया उत्तर प्रदेश की बोलिया यूपी लिख लीजिए अब जहां यूपी की बोलियां व उनके क्षेत्र ठीक है यूपी की बोलियां वे उनके क्षेत्र देखिए मैंने आपको बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या होते हैं पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है सॉरी कौन कौन सी बोली आती है मैंने कहा था कब कब है कन्नौजी बुंदेली खड़ी बोली ब्रज भाषा हरियाणवी अब हरियाणवी तो यूपी में नहीं बोली जाएगी हरियाणी कहाँ हरियाणी बोली जाएगी हम क्या करेंगे वे भाषाएं करेंगे जिन भाषाओं को यूपी में बोला जाता है अब लिखिए कन्नौजी यहाँ पर लिखिए बोली और यहां पर लिखिए क्षेत्र ठीक है तो लिखिए कन्नौजी अब कन्नौजी के क्षेत्र लिखिए वे क्षेत्र जो आपसे एग्जाम में पूछ ले जाता है कि ये किस क्षेत्र की भाषा है या कन्नौजी भाषा इनमें से किस क्षेत्र में बोली जाती है ठीक है मैं वो करवा रहा हूं लिखिए अब जा कन्नौजी से संबंधित जो भाषा जो क्षेत्र होंगे आपके वे होंगे आपके कन्नौज इटावा कन्नौज इटावा फरुखाबाद ठीक है कन्नौज हो गया इटावा हो गया फरुखाबाद पीलीभीत शाहजहांपुर पीलीभीत क्या हुआ पीलीभीत शाहजहांपुर क्या हुआ पीलीभीत शाहजहांपुर ठीक है और एक और लिख लीजिए आपका कानपुर आदि ठीक है तो कौन कौन से क्षेत्र हुए आपके कन्नौज इटावा फरुखाबाद कौन से कन्नौज इटावा फरुखाबाद पीलीभीत शाहजहांपुर कानपुर आदि ये क्षेत्र किसके हैं कन्नौजी बोली के क्षेत्र हैं ठीक है ना मैंने आपको जो कहा था मैं वो करवा रहा हूँ ठीक है मैंने कहा था कि मैं बोली यूपी में बोली जाती है जो उनसे उनके क्षेत्र करवाऊँगा तो कन्नौजी के क्षेत्र जो हुए कन्नौजी कन्नौज इटावा फर्रुखाबाद, पीलीभीत शाहजहांपुर कानपुर ठीक है अब लिखिए बुंदेली कन्नौजी बुंदेली ठीक है अब बुंदेली के क्षेत्र कौन से होंगे झांसी जालोन इटावा बांदा मई झांसी जालोन इटावा हमीरपुर बांदा चित्रकूट ये सभी क्षेत्र बुंदेली के हैं ये आ, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम इससे आगे की क्लास जो होगी मैं कोशिश करूँगा कि अब जो क्लास है जो मैंने कहा था मैं पूरा कर सकूँ ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इससे आगे क्लास कल देखते हैं जो क्षेत्र है बच गई लास्ट हो गए उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको कराई जाए और लगभग आपके 50 60 70 क्वेश्चन मैं करा सकूं ठीक है तो आज आजकल हम इतने लखेंगे अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि आपके परिवार को एक सपोर्ट मिल सके थैंक यू